देख रहे हैं नेक्स्ट आई न्यूज और मैं हूं आपके साथ नैंसी सेठी। लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद देओल परिवार में जश्न का माहौल है। भाई देओल परिवार के दो ऐसे अहम सदस्य भाजपा के प्रत्याशी रहे मथुरा और गुरदासपुर सीट से चुनाव लड़ रहे थे और दोनों को जीत हासिल हुई। मगर देओल परिवार को ये सियासत ये सत्ता भी एक नहीं कर पाई। देओल परिवार दो हिस्सों में बटा हुआ है, आप सभी जानते हैं। देओल परिवार हेमा मालिनी और प्रकाश कौर के दो हिस्सों में है, ये भी आप जानते हैं। धर्मेंद्र की पहली पत्नी है प्रकाश कौर तो दूसरी पत्नी है ड्रीम गर्ल हेमा मालिनी। ऐसे में सनी और हेमा का ये जो रिश्ता है ये जो नाता है वो काफी ज्यादा ही खराब है, ये भी आप सभी जानते हैं। अब ऐसे में यहाँ पर कयास ये लगाए जा रहे थे कि हेमा मालिनी जो है कहीं ना कहीं बेटे सनी के साथ अपनी इस दूरी को अब कम करेगी, या फिर सनी भी अब हेमा के साथ जो उनकी ये दूरी है सौतेली माँ के साथ वो उन्हें कम करेंगे। क्योंकि बीते दौरान जीत के बाद दिल्ली के संसद में रखी गई थी एक मीटिंग जहां पर बीजेपी के तमाम यहां पर नेता पहुंचे थे। अब ऐसे में यहां पर कयास ये लगाए जाने लग गए कि किस तरह से एक छत के नीचे हेमा और सनी आसपास बैठे होंगे। मगर आपको जान के हैरानी होगी कि हेमा और सनी पहली मीटिंग के दौरान आसपास नहीं बैठे थे, यानी कि वो मन मुटाव वो दुश्मनी वो वैर वो दुख वो गम आज भी सनी के जहन में जिंदा है। भले ही जीत हो गई हो वो एक सियासत है, मगर जब घर की बात आती है तब वो आज भी अपनी माँ प्रकाश कौर से ही मोहब्बत करते हैं। महज हेमा के साथ जो सौतेली माँ का नाता वो निभा रहे हैं अब तक वो उसी तरीके से निभाते जा रहे हैं। देखिए अब किस तरह से देओल परिवार बढ़ चुका है और इतनी बड़ी प्रचंड जीत के बाद भी ये परिवार जुड़ा नहीं, इससे यकीनन ही धर्मेंद्र को भी बड़ा झटका लग रहा होगा। बॉलीवुड पैच लोकसभा चुनाव 2019 कहीं ना कहीं अपने नतीजों के बाद से ही देश भर में ये नतीजों की धूम को देखा गया, क्योंकि लोकसभा चुनाव 2019 में डंका बज चुका है जीत का भाजपा और नरेंद्र मोदी का। नरेंद्र मोदी के नाम की लहर तो 2014 में सबने देखी, मगर 2019 में नरेंद्र मोदी के नाम की लहर भी देखी जा रही है। यहाँ पर नरेंद्र मोदी अक्सर कहते रहे कि सबका विकास होगा। अब ऐसे में देश भर की जनता नरेंद्र मोदी पर तमाम उम्मीदें लगाए भी बैठी हैं। ऐसे में आपको बता दें कि बॉलीवुड के एक खूबसूरत परिवार के दो सदस्य भी भाजपा की ओर से प्रत्याशी रहे और कहीं ना कहीं भाजपा की जीत के बाद ये दो सदस्य भी जीत को दर्ज करते देखे गए। हम यहाँ पर बात कर रहे हैं सनी देओल और दूसरी ओर हेमा मालिनी को लेकर। सनी देओल गुरदासपुर सीट से चुनाव जीते तो वहीं दूसरी ओर हेमा मालिनी भी मथुरा सीट से चुनाव को जीत चुकी है। अब ऐसे में कहीं ना कहीं सनी और हेमा के बिगड़े हुए रिश्ते किसी से छुपे नहीं है। सनी और हेमा एक दूसरे को देखना पसंद नहीं करते, आप ये भी जानते हैं। वही बीते दौरान दिल्ली में संसद में भाजपा के नेताओं की मीटिंग को रखा गया। जीत के बाद ये पहली मीटिंग रही जहां पर सनी भी पहुंचे और दूसरी ओर हेमा मालिनी भी। मगर ऐसे में यहां पर सनी और हेमा मालिनी पहुंचे तो सही, मगर कहा ये जा रहा है कि संसद में एक साथ बैठे हुए इन्हें नहीं देखा गया। जी हां, यानी कि जीत के बाद सनी और हेमा के बीच की ये दुश्मनी, जीत के बाद सनी और हेमा के बीच का ये टकराव अब भी बरकरार है। दरअसल दोनों के संसद में एक साथ नहीं बैठने के पीछे की वजह दोनों के रिश्तों की खटास बताई जा रही है। ऐसे में आपको बता दे कि कहा ये भी जा रहा है कि हेमा मालिनी सीनियर सांसद हैं और सनी देओल के लिए ये पहली बार होगा जब वो संसद में अपनी मौजूदगी को दर्ज कराएंगे, इसलिए हेमा मालिनी में आगे की तरफ मौजूद सीटों में से किसी एक पर बैठेंगी, जबकि सनी देओल जो है पीछे वाली सीट पर बैठे हुए देखे जाएंगे। यहाँ पर रिश्तों की करवाहट को साफ तौर पर देखा जा सकता है। कहा यही जा रहा है कि अब भी जीत के बाद भी हेमा और सनी एक नहीं हो पाए। और दूसरी ओर अगर हम बात करें प्रकाश कौर की तो प्रकाश कौर और सनी का ये खूबसूरत सा नाता जो है आज भी वो खूबसूरत ही है। भाई प्रकाश कौर सनी देओल की सगी माँ है और सनी अपनी माँ से खूब प्यार भी करते हैं। बॉलीवुड के शानदार एक्टर कहलाए जाने वाले सनी देओल जो अब राजनीति में
कदम रख चुके हैं और वो कदम भी एकदम धमाकेदार अंदाज में रखा गया। जी हाँ, आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव 2019 में बीजेपी के टिकट पर गुरदासपुर से उन्होंने चुनाव लड़ा और कांग्रेस के दिग्गज नेता सुनील जाखड़ को उन्होंने हरा भी दिया। अब ऐसे में सनी देओल जहां पर राजनीति में उतर आए हैं, तो कहीं ना कहीं आपको बता दें कि सनी देओल ने हाल ही में अपनी मां प्रकाश कौर के साथ एक तस्वीर को साझा किया है। जी हां, प्रकाश कौर ने अपने बेटे के कंधे पर सर रखा हुआ है और वाकई ये तस्वीर अपनी खुद खूबसूरती को दिखा रही है। कहते हैं ना कि कई तस्वीरें अपनी कहानी खुद बयां करती है, कईयों को कैप्शन की जरूरत नहीं होती। और ऐसे ही यहां पर सनी देओल ने जब इस तस्वीर को साझा किया तो उन्होंने कोई कैप्शन नहीं दिया है। जी हां, क्योंकि ये तस्वीर वाकई ही काफी ज्यादा खूबसूरत है। माँ माँ होती है और बच्चे के लिए उसकी माँ से बढ़कर शायद ही संसार में कोई चीज हो। अब ऐसे में कहीं ना कहीं कहा यही जा रहा है कि जीत के बाद जिस तरह से प्रकाश कौर के साथ सनी देओल को देखा गया, तो वहीं यहां पर हेमा मालिनी नहीं दिखाई दी और हेमा मालिनी के साथ एक भी तस्वीर अब तक सनी देओल ने शेयर नहीं की। जीत के बाद एक बार फिर से सनी और हेमा मालिनी के बीच ये दरार पड़ चुकी है। जीत के बाद एक बार फिर से सनी जो है वापस अपनी माँ के पास आ गए हैं और हेमा मालिनी से दूर भी हो चुके हैं, ऐसा साफ तौर पर देखा जा रहा है। नेक्स्ट आई न्यूज़ रूम से नैंसी की रिपोर्ट।